चार पच्चीस तो गोल टाके नहीं नमस्कार। न्यूज पोर्टली की टीम महाराष्ट्र के नासिक में है और अब यहाँ की मार्च के दूसरे हफ्ते में जो है प्याज का क्या भाव चल रहा है आपको मैं किसानों को बताता हूँ, मिलवाता हूँ, दिखाता हूँ। ये है किसान है भाई, क्या नाम है आपका? धनंजय देव। और आपने प्याज बेचा है? हाँ बेचा है। कितना बेचा दिखाई दे रहा है, क्या पावती मिली आपको? हमारा प्याज 370 रुपये क्विंटल गया है। 370 रुपये क्विंटल? अच्छा 370 रुपये क्विंटल गया है। में कैसे काम चलेगा आपका ये? हमारा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन खाली मजदूरी भी नहीं निकलेगी, लगाने की और निकालने की मजदूरी भी नहीं निकलेगी। दवाई का तो खर्चा अलग है, खाद का अलग है और हमारी मेहनत अलग है, इसमें तो हम घाटे में ही जा रहे हैं किसान। कितना प्याज है, कितने एकड़ आपके पास प्याज है? हमारा 3 एकड़ प्याज था। सब ऐसे जा रहे? सब ऐसे ही जा रहा है। तो क्या प्याज का आपका मीडियम साइज आज क्या कुछ बड़ा है? आज मीडियम साइज का प्याज था, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटी साइज का प्याज था। और बड़ी साइज का प्याज 500-550-600 रुपए तक बिकता है। कैसे काम चलेगा, कैसे चलेगा आपका घर, कैसे चलेगा? अभी तो खेती छोड़ के मजदूरी करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है हमें, क्या करेंगे। खाद की गोनी अब 50 किलो की गोनी जो 1800-1600-1700 रुपए में मिलती है, तो यहाँ पे प्याज भी उतना नहीं जाता ना, ये तो खाने की चीज है, क्या करेंगे किसान, क्या करेगा। और सरकार बोलती है कि प्याज खरीदी चालू है, अभी नाफेड़ की खरीदी चालू है, यहाँ पे रेट नहीं बढ़ते ना, कहाँ खरीदी चालू, यहाँ पे एक भी जगह पे खरीदी नहीं चालू है ना, मार्केट ना, मार्केट ना भाव, खरीदी चालू हो जाती तो अब तक रेट बढ़ जाते। परिवार में कितने लोग आपके हैं? तब क्या 12 लोग हैं मेरे परिवार में। 3 एकड़ जमीन है? नहीं, मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। प्याज कितना था? प्याज अभी 3 एकड़ बाकी है और 3 एकड़ निकाला है। कैसे गया वो? 600-700 रुपये क्विंटल से गया है प्याज। 2 लाख रुपये खर्चा हुआ और 1.5 लाख रुपये मेरा मेरे बेच के अभी तक। हाँ अभी तो यानी कि इस बार प्याज किसान भारी घाटे में जा रहे हैं। हर एक किसान घाटे में जा रहा है प्याज का। कर्जा है आपका, लोन है? कर्जा है, बैंक का कर्जा है। 8 लाख रुपये कर्जा है। कैसे चुकाएंगे फिर? कैसे चुकाएंगे उसको? अभी क्या चुकाएंगे, जब फसल आएगी तब चुकाएंगे, नहीं तो कहाँ से चुकाएंगे, बराबर है। हमको ही कुछ नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से भरेंगे। अपने गांव का नाम क्या है धनंजय भाई? हमारा सटाना तालुका है और गांव का नाम करंजाड़ है, नासिक जिले से। ये यही रेट जा रहा है, तो फिर से मैं बता दूं कि ये धनंजय देवरे हैं और ये नासिक में करंजाड़ गांव के रहने वाले हैं। आज जिन्होंने अपना प्याज बेचा है 5 क्विंटल 20 किलो का प्याज था और गया है 370 रुपये के हिसाब से। इनका कहना है कि 300 रुपये की मजदूरी देकर के इन्होंने प्याज कटवाया और इनको ये जाके ये मिला है। इसमें से 1924 रुपये इनको प्याज हुआ, 64 रुपये की आढ़त कट गई, आढ़त जो है मंडी का टैक्स है वो कट गया और अब इनके हाथ में 1860 रुपये आए हैं। इसमें से इनका डीजल है, पेट्रोल है, वो लग रहा है, इनका खर्च है और अब कह रहे हैं इनके ऊपर 8 लाख कर्जा है और ये इसको इस बार तो चुकाने से रहे, अगली बार आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये बात मुझे कहिए कि जो नाफेड़ खरीदारी करते हैं उसे कहाँ चले गए वो लोग? नाफेड़ की खरीदारी नहीं है, वो खेत में जाते हैं, एक नंबर का माल लेते हैं, 100 क्विंटल में 20-30 क्विंटल निकालते हैं और बाकी का माल नहीं लेते। वो 100 क्विंटल में खाली 30-1 क्विंटल माल निकालते हो, अच्छा माल लेते हैं, बाकी का माल नहीं लेते हो। महाराष्ट्र की, मैं अगर पूरे में महाराष्ट्र की बात करूं तो भारत में जितना प्याज होता है उसका आधा प्याज जो होता है वो महाराष्ट्र में पैदा होता है। महाराष्ट्र में इतना प्याज पैदा होता है, उसका जो आधा प्याज है वो यहाँ पे नासिक जो जिला है उसमें पैदा होता है। यही जो बड़ी मंडियाँ भी हैं लासलगांव और दूसरी मंडी नाम बोल रहा हूँ पट्टी है। और पिछले कई दिनों से आप लगातार भारत के अलग अलग चैनलों पे भारत के प्याज के बारे में सुन रहे हैं, प्याज ऐसा हो गया, 7-8 दिनों से ऐसा भी आ रहा था कि प्याज के रेट बढ़ने वाले हैं, लेकिन किसान यहाँ कह रहे हैं कि प्याज का जो रेट है वो बहुत मामूली बढ़ा है। पिछले दिन आपने तस्वीरें देखी थी 512 किलो प्याज बेचने का।
क्या नाम है आपका? कुमार शंकर गुरु। अच्छा, आपने प्याज बेचा कितना? हाँ। कितना बेचा? 400 रुपये। देखा, पावती दिखाइए। चार सौ पंचानवे कितना लिखा? 415 रुपये की। ये देखिए, एक और पर्ची महाराष्ट्र से, 415 रुपये का भाव है। पीछे इनका प्याज दिखाई पड़ा, प्याज है कि नहीं? तो नहीं, गया नहीं, प्याज कर दिया। और सर मुझे ये बताइए कि कितने एकड़ प्याज आपके पास का है? तो ये 415 रुपये भेज के खाती रहोगा आपको, घर चल पाएगा आपका? मजदूरी भी निकलती नहीं, ट्रैक्टर का भाड़ा निकलता नहीं। कर्जा भी है? बहुत कर्जा है ना। कितना? 1,00,000 रुपये कर्जा है। ये एक किसान की बात नहीं है, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे किसानों से मैं मिला हूँ, खेतों में गया हूँ। अभी मैं ये जो हथाना के तालुका है, यहाँ के करंजाड़ के गांव के पास मंडी में आया हूँ, वहाँ बहुत सारे किसान है। एक तो की बात नहीं कि चलो कुछ बदल गया, बहुत ज्यादा गया है। क्या नाम है आपका? क्या प्याज बेचा? कितना? क्या बहुत है दादा के पास है? बिक गया था, इनका भी बात है। तो ये 700 रुपये, 800 रुपये, 900। आज यहाँ पे जो सबसे अच्छा जो प्याज है वो 800-900 रुपये के ऊपर गया है। बहुत सारे जो किसान हैं उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि इतने में तो लेकर के हमें कुछ नहीं हासिल हो रहा। 1,800 रुपये, 1,500 रुपये गोरी खाद है, बिजली उनको बिजली का बिल देना है, घर चलाना है, 300 रुपये, 350 रुपये पर एक मजदूरी है जिनके जो प्याज होता है उनको मिलता है। तो इनके उनको इस बार का जो इनका पूरा सीजन है वो घाटे में जा रहा है। दादा मिले थे, वो कह रहे थे कि हमको इस सीजन में कम से कम 8,00,000 रुपये घाटा होने वाला है। किसान साहब, नाम क्या है आपका? मोती राम। चाय बेचा? हाँ। कैसे? अभी 800 रुपये, 880 गया। अच्छा प्याज था आपका? हाँ अच्छा था, वन नंबर क्वालिटी का, वन नंबर क्वालिटी तभी में गया। तो आपको 880 रुपये में बेच के आपको फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। काहे? अभी लागत ही उतनी है, ज्यादा है उसकी लागत। कुल लगाने का एक एकड़ को 20-30,000 खर्चा आता है। तो प्याज कितना, कितने क्विंटल पैदा होता है? प्याज अभी तो 50 क्विंटल पैदा हुआ, 8×40। हाँ। अगर 8 रुपये में बेचा, 40,000 रुपये का हो गया। हाँ। तो अभी लागत ही 30,000 है। तो अभी गाड़ी भाड़ा दूसरे का है, गाड़ी भाड़ा कटा के आज किसान को 3 महीने का 15-10,000 मिल रहा है। उसमें आपकी मजदूरी, आपकी खर्चा, आपकी सब 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 लगा के? हाँ हाँ। सब लगा के किसान को अभी कहने को बोले तो ऐसे खाना क्या और पीछे से खाना क्या, वो वैसा ही है, जीना मुश्किल हो गया। कर्जा है आपके ऊपर? हाँ कर्जा। कितना है? 4,50,000 रुपये कर्जा। जमीन कितनी? जमीन 3.5 एकड़ है। एक किसान नहीं, बहुत सारे किसान हैं। अगर आप हमारे ऑडियो को ना देखें, हमारे वीडियो क्वालिटी को आप नज़रअंदाज करें और सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र में प्याज किसान किस हाल में है, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उनको हासिल होने वाला है, वो आपको देखोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश। 725 रुपये कुंटल। अच्छा प्याज आपका है, मेरे पास। अच्छा तो मुझे ये बताइए, 725 रुपये कुंटल प्याज बेच के आपका गुजारा हो जाएगा, आपका निकल आएगा जितना खर्चा लगा है? खर्चा 2,250,000 रुपये हुआ है, तो इसने भी नहीं निकलेगा। पिछले साल क्या हिसाब बेचा था? पिछले साल और 4-5 लाख रुपये का, और 2,300, 2,000, 1,900 ऐसे ही का। अच्छे भाव का ऐसा इतना है? हाँ। ऐसा क्यों हो गया कि रेट इतना कैसे गिर गया, तो सोचा आपने? ये नहीं मालूम मेरे को। ये देखिए इनका प्याज है, आज एक क्वालिटी का इनके हिसाब से प्याज है, जो ये गया है आज का इनका 700 कुछ रुपये का, इन्हें बताया है, पावती इनके पास है। कुछ ऐसा नहीं कि किसान नहीं कह रहे, एक किसान की बात नहीं, बहुत सारे जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको क्या हिसाब मिलेगा, जो किसान पावती से करें क्या कर रहे हैं। सुनील भामरे, और इनको आज का जो प्याज इनका गया है वो 350 रुपये। कितना? 350 रुपये। 15 क्विंटल, 4,000 रुपये ट्रॉली बैठेगा, 2,000 रुपये भाड़ा निकल जाएगा, 2,000 रुपये बचेगा,
मतलब कुछ नहीं मिलेगा उसको। भाड़ा कहाँ कितने दूर से लेकर के आए हैं, कितने दूर से लेकर आए? 25 किलोमीटर दूर से। भाड़ा भी नहीं, भाड़ा ही निकलेगा खाली, बाकी का तो गुजारा तो छोड़ दो, भाड़ा ही निकलेगा, खर्चा पानी तो निकलेगा भी। हमको भी अभी 40-40 ठोका लेना पड़ेगा, 40-40 ठोका लेना पड़ेगा सरकार की तरफ से। ठोका मत बोले तो वो एकनाथ शिंदे साहब ने लिया ना, वैसा लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, वो वाला खोखा लंबा वाला है, लंबा वाला खोखा, करोड़ वाला, ये टायर है किसान का, है उन्होंने वो खोखा। आप कौन देगा, आप तो धाग मिल नहीं रहा, कौन देगा आपको, कौन देगा? हमको ही कमाना पड़ेगा, दो नंबर कुछ करना पड़ेगा। हो गया दो नंबर की खेती का लाइसेंस निकालना निकालना पड़ेगा सरकार की तरफ से, तुम्हारे तरफ से होगा तो कर देने का, बेहतर हो जाएगा ना। फिर हम तो दोस्तों की बात ही पहुंचा सकते हैं आपकी, हम पावती को ही भारत को दिखा सकते हैं अलग अलग लोगों को, बाकी तो अपने बस का कुछ है नहीं। वो दो नंबर की खेती का लाइसेंस कहाँ से मिल जाएगा, वो करना पड़ेगा, फिर खेती करना पड़ेगा, ऐसे में तो कुछ नहीं होगा। बहुत घाटा हुआ आपका, जिंदगी जीने के लिए तो वही कर रहे हैं, इससे तो कुछ नहीं होगा, खेती से कुछ नहीं होगा। मुआवजा तो नहीं दे रही सरकार। कितने लोग परिवार में आपके? 6-7 लोग हैं परिवार। खेती कितनी है? खेती 5-6 एकड़। तो गुजारा इस बार नहीं हो पाएगा आपकी, यही मेन फसल यही आपकी है, मेन फसल मजदूरी के लिए जाना पड़ेगा। खर्चा भी नहीं निकला, टीटो पंचा 4 रुपए किलो, 8 रुपए 10 रुपए किलो खर्चा आता है, 3 रुपए 8 रुपए 10 रुपए किलो खर्चा आता है, 2 रुपए डीजल बेच रहा है और 4 रुपए किलो कैश बेच रहा है, ऐसा ही क्या करने का। हमारी गलती है जो सरकार चुनते हैं, हम उस दिन तो बाहर ही निकलना चाहिए मतदान के, बाहर ही निकलना चाहिए हमको, काई को मतदान है, ये 3-4 रुपए किलो बेचने के लिए। उससे अच्छा तो ये होगा ना कि हमने कुछ वोट ही नहीं किया तो हमारा उससे नुकसान भी नहीं होगा ना, हमने वोट करके हमने सरकार चुनी, फिर हमारा ही नुकसान हो रहा है। थोड़ा भाव बढ़ा, आपके पास कोई और खेती विकल्प नहीं है? और विकल्प है, लेकिन वो विकल्प कोई और फसल नहीं आपके पास जो कर सके? वो खर्चा, उसमें भी खर्चा लगाना पड़ता है ना, वो खर्चे इससे ही माल से पैसा नहीं आएगा तो दूसरा और कौन सा उपयोग करेंगे खेती लिए। अभी तो पानी ऊपर से भर गायर पीट हो जाएगी, नुकसान वो भी हो जाएगा, गेहूँ चावल वो भी बर्बाद होगी, प्याज से को तो कुछ नहीं होगा। अच्छा क्या कुछ मौसम का भी असर है आपकी फसल पे कम ज्यादा? मौसम का तो हर साल असर रहता ना, मौसम का तो हर महीने में बारिश हो रही है तो क्या कुछ होगा ही नहीं। अच्छा कई सारे लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ना किसानों को मतलब मजदूरी करनी, कुछ लोग खेत बेचने पे सोच रहे हैं, कुछ लोग शादी, कई सारे किसान गाँव ही बेचना पड़ेगा, सरपंच को सोचना पड़ेगा कि गाँव ही बेच दो तो ही बेहतर होगा, गाँव ही बेच दो, सरकार को बेच दो, फिर खाने पीने के लिए सरकार को चाहिए, कुछ कम फैक्ट्री वैक्ट्री लगा देंगे तो काम में आएगा। गाँव बेचने के लिए चाहिए, अभी हर गाँव बेच देना पड़ेगा सरकार, तभी पेट का गुजारा होगा, खेती से कुछ नहीं होगा, जो खेती करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये इनकी गुस्सा रेंग के शब्दों में नाराजगी भी है और तकलीफ भी है, वो कह रहे हैं खेती से कुछ नहीं होने वाला, यही रहा तो इनको बेचना पड़ेगा। ये 25 मिनट दूर से आए हैं, इनका जो भाड़ा लगा वो 2000 रुपये है, 4000 रुपये इनका ब्याज होगा और अब ये कह रहे हैं इनको 2000 मिलेगा उसमें क्या ही करेंगे, 350 रुपये का इन्होंने ब्याज बेचा। तो ये है महाराष्ट्र में प्याज का इस समय की जो मौजूदा स्थिति है वो ये बताती है। मैं अभी इसी जिले में हूँ और यही प्याज का किसानों को देख रहा हूँ, आपको किसानों को बताता रहूँगा, मुझे बताता रहूँगा, आप बिल्कुल जुड़े रहिए। आपको अच्छा लगता हो हमारा चैनल तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और चीज़ों में जा सकूँ और बात कर सकूँ और आपको प्यार किसानों की कहानी सुना सकूँ।